Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi, this is Sumit Kaul and I'm at the Telly Chakkar office to bust 5 such myths that you may have about me. So, let's get started. Myth number 1. As my name Sumit Kaul suggests, I am a Kashmiri Pandit. Born and brought up in Mumbai. मैं fluent नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, थोड़ी बात बोल देता हूँ, और I'm a good observer, तो इसीलिए मैंने एक decent amount of Marathi pick up कर लिया। और मैं एक show कर रहा था, लागी तुझसे लगा, पर character play कर रहा था सुदर्शन, जो एक Marathi don, उसको थोड़ा realistic बनाने के लिए मैंने उसे एक accent देना चाहा। काय गलत है इधर? लोग ये यकीन करने लगे, they started believing that I'm actually a Marathi. एक तरह से अच्छा लगा कि you know that the way I'm speaking is making them believe that the character is Maharashtra, but it's also making them believe कि मैं एक Marathi. तो मैं वो एक myth उन लोगों के लिए break करना चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ. As an actor, मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो मैं character play करूँ, उसे जितना authentically present कर सकूँ, just because I speak in a certain way or I can speak in a certain way doesn't make me that. तो myth number 1 busted. Myth number 2, जो character एक actor play करता है, वो एक representation है, एक काल्पनिक किरदार को आप एक life दे रहे हैं. You are making an inanimate character into a real character. People start mistaking you for certain personality traits of the character. They say, मैं एक show कर रहा था अशोका, जिसमें मैं एक Greek prince play करता था. मेरी casting में एक हाथ, I'm sure, मेरी acting के अलावा hopefully ये रहा होगा कि मैं गोरा हूँ, मेरी आँखें हरी कलर की हैं, तो एक थोड़ी ऑटोमेटिकली एक इट्स इजियर फॉर द ऑडियंस टू बिलीव. इनफैक्ट मैं रियल टू रियल पर्सपेक्टिव मेरा, तो मैं जब बाहर भी ट्रैवल किया हूँ, वहाँ भी मुझे कई लोगों ने या तो फ्रेंच समझा है या ईरानियन समझा है, तो एटलीस्ट फॉर द ऑडियंसेस मैं इतना क्लियर कर सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी कश्मीर का हूँ. मैं नॉर्मली जो कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, शायद हो सकता है मेरी आंखों की वजह से है या शायद मैं जिस तरह से परफॉर्म करता हूँ, आई टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टू वेरी स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली सीरियस, समटाइम्स नेगेटिव कैरेक्टर. ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड इन एंटरटेनमेंट एंड देयरफॉर दे आर बेस्ड इन अ सर्टेन कैरेक्टर दैट यू प्रेजेंट टू एंटरटेन ऑडियंसेस, दे आर नॉट नेसेसरी यू. तो प्रोफेसर निशांत और सुमित सेम नहीं है, सुमित प्रोफेसर निशांत का कैरेक्टर प्ले करता है. तो ये मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि आप लोग मुझे एज अ पर्सन भी देख पाए, जस्ट नॉट एज द कैरेक्टर बट एज द एक्टर, एज द पर्सन ऑल्सो. सो देयरफॉर मिथ नंबर 2 बस्ट. मिथ नंबर 3, बीइंग अ कश्मीरी पीपल जस्ट अस्यूम के आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं. It's just understood क्योंकि एक you know एक एक understanding हो जाती है लोगों के दिमाग में, कश्मीर याने वाजवान, रोगन जोश, and you know and it is delicious, no doubt. But I about 10 years back I decided to turn vegetarian. So I'm a complete vegetarian. In fact I'm actually a vegan. तो मैं दूध दही से भी दूर रहता हूँ. तो लोगों को ना विश्वास नहीं होता जब वो मतलब जब पहली बार मैं आया, हम लोग नज़र के सेट में लोग सब मिले थे, हमने डिसाइड किया चलो साथ में खाना खाते हैं, तो मैंने अपना डब्बा निकाला, मैं आई कैरी दिस मैसिव बॉक्स विद मी टू द सेट, तो मैं बॉक्स लेकर गया था, मैंने खोला तो लोगों ने इसमें बिल्ली है क्या, मैंने कहा नहीं खाना, तो डब्बा खोला और सब लोग ऐसे देख रहे हैं भाई क्या लाया होगा रोगन जोश कुछ, तो खोला मैंने एक क्या बोलते हैं मटर आलू की सब्जी निकाली, एक दाल निकाली, ब्राउन राइस निकाला, सबके चेहरे एकदम गिर गए, कुछ वो लाल लाल, कुछ रोगन जोश चिकन, कुछ फिश, कुछ नहीं, कश्मीरी हो के वेजिटेरियन, तो ये मुझे बहुत सारी आंखें मिल जाती हैं, कश्मीरी वेजिटेरियन, आप कश्मीरी हैं
तो आप सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। मुझ जैसे लोग हैं, कुछ होंगे शायद, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं। बल्कि मैं तो सिर्फ वीगन, मैं तो दूध दही से भी दूर रहता हूँ। दैट वॉज मिथ नंबर 3, बस्टेड। मिथ नंबर 4, मुझे जनरली मैं बहुत इजीली घुल मिल जाता हूँ लोगों से, मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता लोगों से, बहुत दोस्ताना नहीं कर लेता हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट अपने वर्क स्पेस में बहुत इजीली मैं बातें करता हूँ, घुल मिल जाता हूँ, फ्रेंडली हो जाता हूँ लोगों से। अभी जो शो कर रहा हूँ मैं, वो करने से पहले फॉर्चुनेटली मैं पहले कुछ फिल्में कर चुका था, हैदर का पार्ट रह चुका था, मुन्ना भाई रॉकस्टार, और रिसेंटली मैंने लैला मजनू और मुल्क भी किए थे, उसके बाद में कास्ट हुआ था। अब दिस इज प्रॉबली अ ह्यूमन टेंडेंसी कि एक सोच आ गई थी कि ओ अब एक जबकि मैं उससे पहले बहुत सारा टेलीविजन कर चुका हूँ, मैं लागे तो लगन कर चुका था, अशोका कर चुका था, पेशवा बाजीराव कर चुका था, एक नोशन बन जाता है शायद कि ये एक फिल्म एक्टर है जो आ रहा है। तो जब मैंने पहले 4-5 दिन जब मैं शूट कर रहा था नजर के लिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से, सुमित जी सर आइए सर आपका ये रोल है, जो एक्टर्स बात कर रहे हैं सर आपने हैदर किया हुआ कैसा रहा सर, आई रिमेम्बर मेरे सीन्स अपने नियति जो लीड प्ले कर रही है, नियति के साथ हुए थे कुछ सीन्स, सिमरन के साथ उन्हें शुरू हुए थे, तो मैं गया उनके कमरे में, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, मतलब उन्होंने कहा क्या हुआ सर क्या होता है मैं सुमित हूँ यार, तो हाँ लेकिन सर आप, कि सर आप क्या, मैं तो एक्टर हूँ यार, तुम एक्टर हो, तुम ऐसे क्यों सब लोग मुझसे बात कर रहे हो। इट टुक सम टाइम यू नो फॉर पीपल टू एक्चुअली ईज विद मी, कि वो जो वो सोच रहे थे कि मैं कोई एक बड़ा एलियन एंटिटी हूँ, वो मिथ टूटने में थोड़ा टाइम लग गया था, एंड आई एम ग्लैड अब टूट गया है। अब लोग मतलब मेरे पीठ पर भी थपथपाएंगे, मतलब ओए सुमित काइंड ऑफ यू नो कैसा आ जा रहे ना आ जा, तो उन मेरे नज़र के कॉलीग्स दोस्तों के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि थैंक यू कि आपका वो मिथ नंबर 4 बस हुआ। इफ यू स्टिल हैव एनी मोर मिथ्स अबाउट मी that you wish to be busted, then you can actually write a comment below and I'll try and answer them, hopefully busted for you. Until then, this is me Sumit Kaur signing off with cameraman Amar Yadav.